कुल्लू मुख्यालय के साथ लगते शीशा माटी में डेढ़ घंटे तक जाम लगने से लोगों और सैकड़ों बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या आज की नहीं है बल्कि काफी पुरानी है। लोगों ने बताया कि इस सड़क के एक ओर लोग शाम को अपनी गाड़ियां पार्क कर चले जाते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न होती है। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते शीशा माटी में जाम लगने से लोगों व सैकड़ों बागवानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि घाटी में इन दिनों फलों का सीजन जोरों पर है और सैकड़ों की संख्या में देर शाम को सभी व्यवसायी फलों व सब्जियों को लेकर मंडी पहुँचते हैं। लोगों ने कहा कि शीशा माटी में हर दिन देर शाम को जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में अब ये समस्या और विकराल रूप धारण कर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि रात को 9 बजे तक पुलिस कर्मियों को यहां तैनात किया जाए। मैं होमगार्ड वाले 8 बजे निकल जाते हैं, उसके बाद रोकने वाला कोई नहीं होता, ना उधर से ना इधर से, हैं दोनों तरफ से गाड़ियां जाती है और बीच में जाम लग जाता है। दो दो घंटे यहां पर जाम लग जाता है ना। तब किसको बोले, हम घर भी जाना है, दूर है, और सब्जी की गाड़ियाँ ऊपर से आ रही, रोकने वाला कोई नहीं है। होमगार्ड वाले अगर 9:30 बजे तक बैठे है ना, तो जाम नहीं लगता है। हम नहीं कहते हैं हमारे को मत रोको, हमारे को रोको ढालपुर में, है ना, कि भाई गाड़ियाँ आ रही है, चलो ठीक है। जब ये निकल जाते हैं जल्दी तो यहाँ जाम का कोई ठिकाना नहीं होता है, बड़ी बुरी तरह जाम लग जाता है। कोई दूर जाने वाले हैं, कोई गाँव जाने वाले हैं, कार लेके, कोई स्कूटी लेके जा रहे, वो सारे यहीं फंसे हुए सब। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।